नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद कर रहा हूं कि आवाज़ आ रही होगी और थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इसी कारण से क्लास थोड़ा डिले हो गया दस मिनट डिले हो गया कैसे हैं आप लोग हाँ ये क्लास मैं ही लूँगा और जैसा कि मैंने बताया है कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैथ्स तो मतलब क्या कहते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैथ्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था तो अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ्स पढ़ाऊँ एक टॉपिक है परसेंटेज मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको और ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज औसत जिनका भी एग्ज़ाम तैयारी का एग्ज़ाम होने वाला है एक दो दिन में वो लोग को भी फ़ायदा होगा कि टी आर ई वन टी आर टू हमेशा औसत से एक से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया एस का एग्ज़ाम हो गया सब में औसत से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा इतना जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा कि आपको अगर मैथ्स का एबीसीडी भी नहीं पता है तो भी आप इसको समझ जाएंगे ठीक है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बस एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी जंग दिमाग से जीती जाती है आपके हौसलों से जीती जाती है आप अपने दिमाग में पहले उस चीज़ को भर लीजिए कि मुझे ये चीज़ पाना है पहली चीज़ दूसरी चीज़ आज मैंने एक बड़ा अच्छा शेयर किया था आपसे कि अगर आप जो काम रोज करते हैं वही काम आज भी करेंगे तो रिज़ल्ट भी वही आएगा जो रोज़ आता है अगर अपना रिजल्ट बदलना है तो अपना रूटीन बदलिए ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आपने कल जो काम किया और उस काम से कल आपका कोई रिजल्ट आया और आज भी आप वही काम करते हैं तो आपका रिज़ल्ट आज भी वही आएगा ठीक है तो अपने रूटीन को बदलिए रूटीन को बदलने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि दिन भर में आप करते क्या हैं अपना बही खाता देखिए कि आप दिन भर में सुबह उठते हैं एक बार उसको नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद आप एनालिसिस कीजिए एक दिन समय दीजिए अपने आप को री स्टार्ट कीजिए री इस्टार्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग अक्सर उस दौर में दौड़ रहे हैं कि हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें सुबह जो लोग जॉब कर रहे हैं मेरी मेरा भी यही रूटीन था सुबह उठो ऑफिस जाओ ऑफिस आओ थक जाओ थोड़ा देर टीवी वेब सीरीज़ देखो और सो जाओ दिन में समय मिला तो थोड़ा देर इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब थोड़ा सा सर्कुलेट कर लो ठीक है तो उस रूटीन से बाहर आइए एक दिन अपने आप को अभी जो लोग जॉब में हैं इस संडे का दिन रखिए संडे सैटरडे को शाम को आप रूटीन अपना रूटीन नोट कीजिए रूटीन नोट करने का मतलब क्या होता है रूटीन नोट करने का मतलब यह होता है कि आप अपना पहले जानिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद एक एक चीज़ आप नोट डाउन कीजिए मैं नोट करके दिखा रहा हूं कि ये आपका रूटीन होना चाहिए जैसे आप उठते हैं वेकअप आठ बजे ए टी एम बेड छोड़ते हैं कुछ लोग बेड छोड़ने में लगा देते हैं बेड को छोड़ने में लगा देते हैं चालीस मिनट आठ चालीस पे आपने बेड छोड़ा दो बार चाय पिया वहाँ पे ठीक है ठीक है वाशरूम वाशरूम होके आप सवा नौ तक फ्रेश हुए ठीक है फ्रेश होके नौ पंद्रह ऑफ़िस निकल गए जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए ठीक है ऑफ़िस चले गए ऑफ़िस जब पहुंचे समझ लीजिए आप दस बजे ऑफिस पहुंचे एक एग्जाम्पल मैं सेट कर रहा हूँ अपना कोई ये आपका कुछ अलग होगा ऑफ़िस पहुंचे ऑफिस में लंच हुआ लंच हुआ आपका एक बजे से एक तीस तक ठीक है साढ़े पाँच बजे ऑफिस ओवर हुआ साढ़े पाँच बजे ऑफिस ओवर हुआ घर साढ़े छः बजे पहुंचे ठीक है ऑफिस घर आप अपना साढ़े छः तक पहुँचे और रात का डिनर खाया आपने साढ़े आठ बजे सोने गए बेड पे गए सोने के लिए फिर ग्यारह बजे अब देखिए बीच बीच में बहुत सारा वैक्यूम है आठ बजे उठे और नौ सवा नौ तक आप फ्रेश हुए एक घंटा पंद्रह मिनट इस चीज़ों को आप कंट्रोल करना शुरू कीजिए कि नहीं मैं अपना उठूंगा पाँच मिनट में चाय पी के जो भी आपका रूटीन है उसको करके चला जाऊंगा ठीक है फिर सवा नौ में ऑफिस से और दस बजे गए पैंतालीस मिनट आपका यहाँ बर्बाद हुआ लंच आपका आधे घंटे का हुआ वो आप यूज कर सकते हैं लंच का टाइम ठीक है साढ़े पाँच बजे निकले साढ़े छः बजे घर आए जो ट्रांस आपका ट्रैवलिंग टाइम है एक घंटा इसको यूज कर सकते हैं ठीक है साढ़े छः बजे घर आए साढ़े आठ बजे डिनर किया आपने दो घंटा जो आप बेड पे थके हुए थे अपने आप को रिवाइव कर रहे थे आपको थकना अलाउ नहीं है ठीक है और फिर यहां ढाई घंटा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ये नहीं है कि सही है आप जब इसका पोस्टमार्टम करेंगे अपने रूटीन का तो आपको पता चलेगा कई ऐसा चीज है जो कि आप, आप उसमें से टाइम निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं जो लोग दिन भर पढ़ रहे हैं वो लोग भी इस चीज को एक बार एनालिसिस कीजिए आपको बहुत फायदा होगा एक बार करके देखिए आपको इंप्रूवमेंट समझ में आना शुरू करेगा सत्तरवीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है उसमें भी एवरेज का सवाल आता है ठीक है चलिए हम लोग टॉपिक पर स्विच करते हैं आज का टॉपिक हमारा है एवरेज ठीक है एवरेज क्या होता है समझ लीजिए कि आप कि आपका जो उम्र है वो है दस साल ठीक है और आपके घर में एक और बच्चा है कोई उसकी उम्र है बीस साल ठीक है और एक और कोई है उसकी उम्र है तीस साल ठीक है तीन लोग हैं तो अब पूछेंगे घर का औसत उम्र क्या है औसत उम्र का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा उम्र कोई पूछे ना कि कितने उम्र के बच्चे रहते हैं आप क्या बोलिएगा दस साल बीस साल तीस साल नहीं आप एक औसत निकालिएगा औसत में क्या करते हैं कि हम तीनों संख्या को जोड़ देंगे ठीक है दस प्लस बीस प्लस तीस और कितनी संख्या कितने लोग हैं एक है एक दो तीन और तीन से उसको गुना कर देंगे ठीक है तीस बीस पचास दस साठ साठ डिवाइडेड बाई तीन बीस इस घर का औसत उम्र है ठीक है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कितनों को आया साउंड कम आ रहा है साउंड तो मैं चलिए आप लोग का प्यार रहेगा उस तो इस क्या कहते हैं मैथ्स की क्लास पे तो साउंड बढ़ा लूंगा एक और अच्छा माइक ले लूंगा ठीक है अगर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा मैथ्स मेरा जरा पढ़ाया हुआ तो मुझ में फिर से वो एनर्जी आ जाएगी कि मैं इस चीज को आगे बढ़ा सकूं ठीक है चलिए कितनों को समझ में आया कॉन्सेप्ट औसत का ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट है कि औसत निकालने का तरीका क्या होता है तीन कोई भी संख्या दी हुई है आपको तीनों को जोड़ देंगे जितनी संख्या है उससे उसको गुना कर देंगे सॉरी भाग कर देंगे ये औसत है ठीक है अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं हम लोग हम लोग ट्रिक भी सारे ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे क्लास में इसलिए चिंता नहीं कीजिए पहले बेसिक समझने का कोशिश कीजिए ठीक है अब थोड़ा सा इसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं कि एक क्लास है ठीक है उस क्लास का औसत एज जो है एवरेज एज जो है वो है आपको 20 ठीक है और टोटल जो स्टूडेंट हैं टोटल स्टूडेंट है तीन तो सारे बच्चों का उम्र का सम क्या होगा ठीक है सभी बच्चों के सभी स्टूडेंट के के उम्र का सम क्या होगा क्या होगा ठीक है अब हमने यहाँ क्या किया था देखिए यहाँ हमने सारे बच्चों का उम्र का लिख जोड़ दिया था तीन बच्चा हमारे पास एक का नाम ए रख देते हैं एक का नाम बी रख देते हैं एक का नाम सी रख देते हैं ठीक है हमने यहाँ क्या किया ए प्लस बी प्लस सी किया था कितने लोग हैं एक दो तीन तीन से भाग दिया इज एजुक्स टू इसका एवरेज आ गया ए बी जी लिख देते हैं एवरेज को ठीक है अब यहाँ क्या बोल रहा है एवरेज दे दिया ठीक है नंबर ऑफ बच्चा दे दिया तो दोनों को गुना कर देंगे तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी को क्या हो गया हमारा एवरेज गुने तीन ठीक ये कॉन्सेप्ट कितनों को समझ में आया कट जा रहा है ठीक उठा दिया मैंने ऊपर कर दिया ये कॉन्सेप्ट कितनों को समझ में आया जिनका जीरो है बिल्कुल हमें इसके सारे टीआर के क्वेश्चन भी करा दूंगा जो टीआर के क्वेश्चन है बीपीएससी के क्वेश्चन है हर एग्जाम के एसएससी के क्वेश्चन भी करा दूंगा आपका ठीक है क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सर रिपीट कर दीजिए अर्चना जी मैं दस बार रिपीट करूंगा जब तक सभी बच्चों को क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है उनको मैथ्स में इंटरेस्ट ला दूंगा ये इस क्लास की गारंटी है ठीक है क्योंकि मैं भी कभी मैथ्स से डरता था और आज आज मैं अपने आपको मैथ्स का महारथी बोल रहा हूँ तो क्योंकि मैंने थंबनेल था, पे महारथी लिखवाया है तो इसीलिए मैं आपको भी महारथी बना के छोड़ूंगा चलिए फिर से समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को देखिए एवरेज का कुछ बच्चे बोर होंगे लेकिन बोर नहीं हुए कॉन्सेप्ट को समझिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है एवरेज क्या होता है एवरेज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ आपके घर में चार सदस्य हैं ठीक है एक आदमी कमाता है बीस रुपया ठीक है एक आदमी कमाता है तीस रुपया इसको मिटा दीजिए ठीक है ये आदमी ए हो गया ये आदमी बी हो गया ये आदमी सी हो गया ये आदमी डी हो गया ठीक है तीसरा कमाता है बीस रुपया बीस तीस पचास बीस सत्तर और यहाँ दस कर दीजिए ठीक है डी हो गया यहाँ तक समझ में आ गया ये चार लोग हैं एक का नाम ए है एक का नाम बी है एक का नाम सी है एक का नाम डी है ठीक है, है ये चारों लोग इतना कमाते हैं अब कोई पूछे कि इस घर में चार लोग कमाते हैं एक आदमी बीस रुपए कमाता है एक आदमी तीस रुपए एक आदमी बीस रुपए एक आदमी दस रुपए तो इस घर का औसत कमाई कितनी है मतलब औसत मतलब कि अगर कोई पूछे कि घर की कमाई कितनी है लगभग तो आप क्या बताइएगा ऐसे लोग क्या पूछता है कि भारत में भारत की जो क्या कहते हैं कितने उम्र में लोगों की नौकरी लगती है अब भारत की जनसंख्या एक करोड़ लगभग चालीस पचास करोड़ नौकरी के लायक हैं तो अब चालीस करोड़ की आप संख्या नहीं ना बताइएगा हम लोग क्या करते हैं उसका औसत निकाल के बता देते हैं ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर अब यहाँ इस सवाल पे आइए अब लोग पूछेगा कि इस घर का आपकी कमाई कितनी है तब क्या बोलेगा एक बीस कमाता है तीस कमाता है नहीं आप हमेशा औसत बताते हैं एवरेज बताते हैं तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग तो सबसे पहले जितनी संख्या है चारों को हम जोड़ देंगे ठीक है बीस प्लस तीस प्लस बीस प्लस दस ठीक है इसको भाग कितने से देंगे कितने लोग हैं एक दो तीन चार चार से इसको भाग दे देंगे ठीक है ये कितना हो जाएगा बीस तीस पचास पचास बीस सत्तर दस अस्सी अस्सी डिवाइडेड बाई चार बीस तो इसका एवरेज कितना आया बीस ठीक है तो यहां हमने क्या किया टोटल इनकम ठीक है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू एवरेज ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको अर्चना जी ये कॉन्सेप्ट concept... मैं मैथ्स इंप्रूव कराऊंगा पंडित जी अर्चना जी बताइए मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं क्योंकि आपने ये क्वेश्चन रेज किया था ये कॉन्सेप्ट क्लियर है चलिए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है अब देखिए इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज और नंबर ऑफ पर्सन को गुना कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा टोटल इनकम इज़ इक्वल्स टू ये यहां से यहां चला जाएगा तो गुना हो जाता है इससे एवरेज गुने नंबर ऑफ पर्सन अब जो पहला टफ क्वेश्चन बनता है इसी फॉर्मूले पे बनता है पहला टफ क्वेश्चन जो क्या बनता है इसी पे बनता है ठीक है अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं सभी लोग इस सवाल को सॉल्व कीजिए सवाल क्या है इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं इफ एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज वन थर्टी सेवेन एंड इफ एवरेज ऑफ अदर टू नंबर अदर टू नंबर इज वन फिफ्टी टू वाट विल बी the एवरेज ऑफ ऑल नंबर मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ किसी तीन संख्या का औसत 137 है और किसी अन्य दो संख्या का औसत एक है तो टोटल सभी संख्या का एवरेज कितना होगा जल्दी आपके पास दो मिनट का समय है सभी लोग जो एक्सपर्ट हैं बताइए ठीक है किसी तीन संख्या का औसत एक है और दो संख्या का औसत एक है अन्य दो संख्या उसी में से नहीं अन्य दो संख्या का औसत एक है तो एवरेज कितना होगा पांचों संख्या का यह एसएससी का क्वेश्चन है अभी आप मैथ्स का कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पर कर लीजिए मैं कैलकुलेशन फास्ट करवा दूंगा आपका हाँ गलत जवाब है आ, लाइफ लाइफ इंडिया आपका जवाब गलत है अन्य दो संख्या है उसी में से दो संख्या नहीं है इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा ठीक है और कुछ लोग ट्राई कर लीजिए मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग का समय वेस्ट नहीं हो इसलिए मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ ठीक है देखिए इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है एस का क्वेश्चन है और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कितना टफ क्वेश्चन आ गया सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए तीन संख्या मैं तीन संख्या मान लेता हूं ए बी और सी ठीक है ये तीन संख्या हो गए मेरे और अदर दो संख्या ठीक है डी और ई e, ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक अब मैं लिखूंगा एवरेज ऑफ तीन संख्या इज एक तो एवरेज संख्या क्या होगी हमारी एक संख्या ए है एक संख्या बी है और एक संख्या सी है ए प्लस बी प्लस सी कितनी संख्या है तीन तीन से भाग दिया हमने क्या हुआ एवरेज कितना है एक सौ सैंतीस ठीक है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा एक सौ सैंतीस गुने तीन ठीक है जब एक सौ सैंतीस गुने तीन कीजिएगा सत्तीस इक्कीस यह आएगा आपको चार सौ ग्यारह ठीक है अब चलिए दूसरे स्टेटमेंट पे एवरेज ऑफ अदर टू नंबर इज़ वन फिफ्टी टू तो अदर टू नंबर क्या है हमारे पास वो है वन फिफ्टी टू तो उस चलेंगे हम लोग तो वो संख्या क्या थी हमारे हमारा डी प्लस ई ठीक है कितनी संख्या है दो दो से गुना कर दो से भागा देंगे ठीक है इजकल्स टू तो हमारा क्या आ रहा है वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी टू तो डी प्लस ई क्या होगा वन फिफ्टी टू गुने टू वन फिफ्टी टू गुने टू क्या होगा डेढ़ सौ नीन तीन सौ तीन, तीन सौ चार ठीक है ये हमारा आ गया सम ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई और डी प्लस ई की वैल्यू आ गई अब हमसे क्या पूछ रहा है कि पांचों संख्या का एवरेज कितना होगा तो पांच संख्या कौन कौन है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ठीक है तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आया हमारे पास चार सौ ग्यारह चार सौ ग्यारह डाल दिया हमने डी प्लस ई का जोड़ कितना आया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का प्लस तीन सौ चार टोटल संख्या कितनी है हमारे पास एक दो तीन चार पाँच पाँच से भाग दे देंगे ये हमारा एवरेज आ जाएगा चार सौ ग्यारह और तीन सौ चार को जोड़ेंगे तो क्या होगा चार एक पाँच एक और सात ठीक है सात सौ पंद्रह भागा पाँच ठीक है और इसको करेंगे तो कितना होगा चौदह पच्चीस सत्तर चौदह और ये आएगा पंद्रह पाँच पंद्रह वन फोर्टी थ्री ये आंसर हो गया आपका वन फोर्टी थ्री आपका आंसर हो गया कितने को समझ में आया कॉन्सेप्ट जल्दी बताइए ये सवाल कितनों को समझ में आया इस सवाल को मैं सौ बार भी समझा सकता हूं जब तक सभी बच्चे किसी को डाउट आया आप लिखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा आ, मैं आपको सिखा रहा हूं जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से सीखिए मैथ्स बहुत लेट से नहीं बनेगा आप मैथ्स के महारथी बन जाइएगा अगर बनना है मैथ्स के महारथी तो समय दीजिए मेरे साथ जितना मैं करा रहा हूँ कराइए प्रैक्टिस कीजिए आ जाएगा आ, वो कहाँ गई अर्चना जी अर्चना जी जो आपको डाउट था आपको क्लियर हुआ नहीं? तो कि नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे आपसे ही ये है क्योंकि तो आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं देखिए पहले मैं मैथ्स पढ़ा रहा था लेकिन उस पर लोगों के लाइक कमेंट व्यूज़ कम आ रहे थे तो मुझे लगा कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ अर्चना जी सही बताइए ये क्लियर हुआ है कि मैं एक और एक्सप्लेन करूँ क्योंकि मुझे कोई थकावट नहीं होगी एक्सप्लेन करने में लेकिन मैं चाहता हूँ जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एवरेज के इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं छूटे ये आज मेरा टारगेट है ठीक है चलिए क्लियर हो गया तो एक अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सॉल्व करके आंसर बताएगा चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में लिखता हूं पिछला इंग्लिश में लिखा था और इसको सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे रीता ने 2250 रुपए रुपये के औसत पांच साड़ियां खरीदी ठीक है पता नहीं साड़ी का रेट सस्ता है कि महंगा है बाईस के औसत से पांच ये लास्ट में आप लोग बताइएगा एक साड़ी का कितना औसत पड़ रहा है ठीक है फिर और उसने और उसने दूसरी दुकान से तीन और साड़ियाँ सत्ताईस सौ पचास के औसत से खरीदी खरीदी ठीक है तो सभी साड़ियों का साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा ठीक है जो सबसे पहले जवाब देगा उसके लिए पुरस्कार है आ नहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर का बाहर था मैं आज लेट हुई हुआ तो कल से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आज सोचा कि सारे दस हो रहा है था है पढ़ाने का आज तो आज सोचा अभी पढ़ा लेता हूँ अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास अमन जी बोर्ड से माध्यम से कोई मतलब नहीं होता है बोर्ड है पेन है पेंसिल है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है पढ़िए आप जिस तरीके से पढ़िए ठीक है जल्दी बताइए इधर उधर की बातें बहुत हो गई इस सवाल का जवाब जो सबसे पहले बताएगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक पुरस्कार अश्विन आनंद जी जीत गए विजेता हो गया आज के आनंद जी तनु जी का आपका कैलकुलेशन ही गलत है आपका चलिए अश्विन आनंद जी फर्स्ट विनर सेकेंड विनर मूर्ति कुमारी तीन विनर तक का नाम लिखूंगा फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कॉन्सेप्ट को थर्ड सेकेंड विनर मूर्ति कुमारी थर्ड विनर जल्दी कोई आया चलिए थर्ड विनर कोई नहीं आया अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है रीता ने बाईस सौ पचास रुपये के औसत से पाँच साड़ियाँ खरीदी ठीक है अब मैं पाँच साड़ी जो है इस पाँच साड़ी का नाम क्या देता हूँ मैं ए बी सी डी और ई e, ठीक है और फिर तीन साड़ियाँ ख़रीदी तो हो जाएगा एफ प्लस जी प्लस एच ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ ठीक है नहीं तो मैं साड़ी को लिख सकता हूँ क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाए इसलिए मैं इतना लंबा एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर धीरे धीरे हम लोग फास्ट ट्रिक पर भी जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ठीक है बटा पांच कितना औसत हुआ इसका बाईस सौ पचास तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का कुल वैल्यू कितना हुआ बाईस सौ पचास गुने पाँच ये सवाल मैंने ठीक है अब दूसरे पे चलते हैं दूसरी दुकान से क्या किया उन्होंने F प्लस जी प्लस एच भगा तीन ठीक है एज इक्वल टू कितना है सत्ताईस सौ पचास तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी F प्लस जी प्लस एच की वैल्यू मतलब इन तीन साड़ी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सत्ताईस सौ पचास गुने तीन एज इक्व टू हो जाएगा आठ हजार दो सौ पचास कॉन्सेप्ट समझ में आया पांच साड़ी का उसने पांच साड़ी खरीदा एक दुकान से जैसे आप गए फलाना दुकान में और वहां से आपने पांच साड़ी खरीदा रिलायंस के बिग बाज़ार में गए पांच साड़ी खरीदा और पांच साड़ी का आपने बिल बना आपका ग्यारह हजार दो सौ पचास रुपये ठीक है कैसे पता चला हमें क्योंकि औसत मूल्य को जब कुल संख्या से गुना करते हैं तो कुल मूल्य आ जाता है ठीक है एक उदाहरण हुआ ये फिर ये रहा अब हमें पूछ रहे है, टोटल पाँच प्लस तीन आठों साड़ी का औसत तो आठों सारी का औसत कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच ठीक है भागा आठ जो हमारा औसत है वही आ जाएगा एवरेज जो हमें पूछा जा रहा है तो इसका वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का ग्यारह हज़ार दो सौ पचास तो यहाँ हमने कर दिया ग्यारह हज़ार दो सौ पचास प्लस बाकी जो तीन साड़ी है उसका है आठ हजार दो सौ पचास डिवाइडेड बाई आठ यह संख्या आती है आपको उन्नीस हजार पाँच सौ डिवाइडेड बाई आठ यह आपका कुल जो औसत होगा दो हजार चार सौ दशमलव एक साड़ी का मूल्य औसत मूल्य आ रहा है तो एक साड़ी का औसत मूल्य सही है ज्यादा है कौन 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 बताएगा एक साड़ी का औसत मूल्य दो हजार चार सौ सैंतीस दशमलव पचास पैसे ये मार्केट के रेट से ज़्यादा है या सही है रीता बेवकूफ़ बनी है या समझदारी का डील किया उन्होंने पहला तो ये है दूसरा है कि कितनों को समझ में नहीं आया ये बताइए मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है इस लेवल के मतलब आपको एवरेज में तीन चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसमें से टाइप वन का ये टफेस्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज जल्दी बताइए कितनों को क्लियर हुआ कितनों को नहीं क्लियर हुआ और रीता ने समझदारी का काम किया कि रीता ने बेवकूफ़ी का काम किया ये भी कमेंट में बताइए नहीं आया ठीक है जितेंद्र जी एक बार और एक्सप्लेन करूँगा आपको चलिए एक बार और लोग आए कपड़े का फैब्रिक पर डिपेंड करेगा स्वेता जी ओह ठीक है इसमें भूल गए जैसे मुझे पता नल्ली की साड़ी थोड़ी कॉस्टली आती है ठीक है चलिए अच्छी बात है क्लियर है एक आदमी को नहीं समझ में आया और वो है जितेंद्र शुक्ला जी मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी साड़ी लगभग तीन हज़ार की आती है जैन जी आप शादीशुदा हैं तभी आप बता पा रहे हैं अच्छी साड़ी तीन हज़ार की आती है नेक्स्ट सर एक बार एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जितेंद्र जी ने एक बार क्वेरी रेज किया मैं लिखूँगा मैं फिर समझाऊँ देखिए औसत क्या मैंने बताया था शुरू वाले एग्जाम्पल में जाइए औसत क्या होता है औसत होता है जितने क्लास में बच्चे थे जिनका जो भी नंबर आया था बीस तीस दस बीस उन सबको जोड़ दीजिए और संख्या से भागा दे दीजिए वो औसत होता है ठीक है उस क्लास का औसत ये है भारत का औसत ये है हम लोग नहीं बताते कि भारत का एवरेज ये है भारत में एवरेज लोग जो हैं साठ की उम्र में जैसे एवरेज मोटैलिटी रेट आता है कि तीन साल में चार साल में बच्चे ये हो जाता है एवरेज जो लिविंग एज आता है भारत में समझ सिक्सटी एट ईयर्स है मतलब अड़सठ साल में लोग तक जीते हैं तो कैसे निकला कोई आदमी नब्बे जिया कोई आदमी पचास जिया दोनों को भाग कर दिया हम लोग का एक एवरेज आ गया ठीक है एवरेज वैसे ही निकालते हैं तो इस सवाल में भी क्या था कि रीता ने बाईस सौ के औसत से पाँच साड़ियाँ खरीदी तो बाईस सौ के औसत से साड़ी साड़ी तो का टोटल मूल्य फिर रीता ने दूसरी दुकान से तीन साड़ी खरीदी तो को, को जोड़ दिया आठ से भाग दे दिया तो हमारा वो वैल्यू आ गया ठीक है आज का तीसरा सवाल है एक कक्षा में उनचालीस लड़कियां हैं एकदम फास्ट स्पीड में करना है एक, कक्षा में उन्चालीस लड़कियां, लड़कियों का औसत अंक 113 है ठीक है और उसी कक्षा के और उसी कक्षा के 26 लड़कों का औसत अंक 89 है तो पूरी कक्षा का औसत कितना होगा चलिए बताइए इसको थोड़ा सा नीचे कर दो चलिए बताइए जल्दी एक कक्षा में थर्टी नाइन गर्ल्स हैं जिनका औसत अंक एक सौ तेरह है और उसी कक्षा में छब्बीस लड़के हैं उसका औसत अंक एटी नाइन है तो पूरी कक्षा का औसत अंक कितना होगा एस सारे मोटिवेशन आप कितने बजे सोते हैं मैं लगभग लग डेढ़ दो बजे रात को सोता हूँ और आठ बजे उठता हूँ ये मेरा जीवन भर का रूटीन है मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है और जिस दिन मुझे सुबह उठना होता है मैं अगले पूरी रात टेंशन में रहता हूँ अश्विन जी का गलत जवाब तो मैं अक्सर लोगों को यही समझाता हूँ कि आपके सोने उठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है द अमाउंट ऑफ स्टडी कितना किया आपने उससे फ़र्क पड़ता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा अगर आपकी नींद ही नहीं खुली है आँख लाल है दिमाग भारी है सर भारी है तो क्या समझ में आएगा तो जब नींद आए तो सो जाइए क्योंकि जब आप नींद को तोड़ने की कोशिश करते हैं चाय पीते हैं आँख में पानी झोंकते हैं टहलते हैं दस मिनट लगाते हैं नींद तोड़ने में फिर दस मिनट में नींद आने लगता है तो बेटर है कि आप सो जाइए थोड़ी देर फ्रेश होकर पढ़िए ज़्यादा समझ में आएगा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आपने सारे मोटिवेशन नाम से रखा हुआ है चैनल मेरी फ़ोटो लगा रखी है आपने कहाँ के रहने वाले हुए आप सही जवाब अश्विन जी का फर्स्ट अश्विन जी फिर से फिर से टॉप करेंगे अश्विन जी बाकी लोग कहाँ हैं बाकी लोग कहाँ गए जमुई जिला मैं आपके बगल में ही हूं। आ, मूर्ति जी का सही जवाब अलीशा नाच का गलत जवाब जितेंद्र शुक्ला जी का सही जवाब ठीक है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इसको और फिर हम लोग क्लास अगर अच्छा रहा तो हम लोग कल परसों दोबारा कंटिन्यू करेंगे कुछ काम आ गया है चलिए तो बताता हूं थर्टी नाइन लड़कियों का ठीक है तो मैं लिखता हूँ गर्ल्स ठीक है थर्टी नाइन ठीक है गर्ल्स थर्टी नाइन का एवरेज कितना है थर्टी नाइन ठीक है थर्टी नाइन लड़कियों गर्ल्स थर्टी नाइन लिख दिया मैंने और इनका एवरेज कितना एक सौ तेरह तो थर्टी नाइन गर्ल्स थर्टी नाइन जो है इनका टोटल सम कितना होगा एक सौ तेरह गुने उनचालीस ठीक है थर्टी नाइन ये आपको आएगा फोर फोर जीरो सेवन ठीक है आगे बढ़ते हैं उसी कक्षा में 26 लड़के हैं तो बॉयज़ 26 डिवाइड डिवाइडेड बाई 26 ठीक है उनका औसत है 89 तो बॉयज़ 26 का सम कितना हुआ 89 नाइन गुने छब्बीस तो ये हुआ आपको तेईस सौ चौदह ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा है गर्ल्स 39 प्लस बॉयज़ ट्वेंटी सिक्स ठीक है डिवाइडेड बाई कितना हुआ दोनों को जोड़ देंगे थर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी सिक्स कितना होता है थर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी सिक्स नौ छः पंद्रह का पाँच तीन दो पाँच एक छः ठीक है वन नौ छः पंद्रह का पाँच हासिल एक तीन दो पाँच एक पैसा ठीक है तो इन दोनों को जोड़ देंगे और ए, एवरेज हमें निकालना है कितना होगा एवरेज तो इन दोनों को भी यहाँ पे ये गर्ल्स का कितना है टोटल फोर फोर जीरो सेवन फोर फोर जीरो सेवन प्लस टू थ्री वन फोर 65, उक उक आ जाएगा, और आंसर है एक सौ तीन है चार ठीक है आ मैं कैलकुलेशन फास्ट करना सिखाऊंगा वो आपका लेवल टू है कैलकुलेशन फास्ट करना पहले आपका होना चाहिए कि कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे और क्वेश्चन को सही करें ठीक है तो चलिए क्लास को आज यही रोकते हैं और अच्छा लगा क्लास तो मैं डेली आधा घंटा एक घंटा आपको करके मैथ्स में आपको मास्टर बनाने की कोशिश करूँगा ठीक है और जिनका आपको टी का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट हिम्मत से जाइए दिमाग मैंने अक्सर कहा है कि दिमाग स्ट्रॉन्ग करके जाइए जंग दिमाग से जीती जाती है और कहीं से नहीं जीता जाता है एक उदाहरण देता हूं अक्सर मैं सुनाता हूं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच था ऑस्ट्रेलिया ने चार रन बना दिए थे सर तो और उसके बाद साउथ अफ्रीका के जो कोच थे उन्होंने कहा उनको कि ये जो पिच है इससे पाँच रन बनने चाहिए थे इन्होंने चार रन बनाए हैं साठ रन कम बनाए हैं और ये मैच हम आसानी से जीत सकते हैं और यही बात के कारण वो लोग मैच को जीत गए ठीक है और बाद में मालूम पड़ा कि उस कोच ने मनगणन बात कही थी तो कोई भी जंग दिमाग से जीती आती है कल का एग्जाम ये सोच के जाए कि कल का एग्जाम मैं जरूर सफल होऊंगा हर क्वेश्चन बनाऊंगा कैसे मुझसे कोई क्वेश्चन छूटेगा ठीक है चलिए तो आज से दिमाग को अपने कंट्रोल में रखिए और थोड़ा सा टाइम टेबल इम्प्रूव कीजिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में ओके गुड नाइट